आपका क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या दिया है, 3√3a³ − b³ − 5√5c³ − 3√15ab and c। तो आपके टोटल टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स। नाउ आपको सिर्फ इसमें चेक करना है कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सब मिला के कितने बनते हैं। तो यहां पर हमारा सिर्फ वेरिएबल चेक करना है क्योंकि कांस्टेंट किसी टर्म में नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर 1, 2 एंड 3 एंड पावर क्या है इसकी, 3। तो हमारी क्यूब में एक आइडेंटिटी है जो इसको फुलफिल कर रही है। एंड यहां पर क्या है आपका, मिक्सचर ऑफ 3 वेरिएबल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्या है आपका, वो आइडेंटिटी आपकी है x³ + y³ + z³ − 3xyz। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x + y + z। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा क्या है, x² + y² + z² − xy − yz − zx, ठीक है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। नाउ हमको क्या करना क्या है कि हमको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे इस फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में, और नॉट। फॉर दैट हमको करना क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू आप यहां पर देखोगे 3√3, तो क्या हो गया आपका, √3, है ना, क्योंकि √3 का क्यूब इज 3√3। मैं यहां लिख देता हूं √3³, यहां पर √5³, ठीक है। तो x क्या हो गया आपका, √3a। वॉट इज y, y इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर हमारे साइंस भी आते हैं, जो साइन होंगे वो भी आएंगे, प्लस और माइनस। तो जहां पर माइनस है वहां ज्यादा ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू b तो है ही हमारा, और माइनस साइन है, दैट मीन्स −q इज माइनस, तो हमारा आएगा −b। एंड z इज इक्वल टू माइनस साइन है तो −√5c, ठीक है। ये वैल्यू हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा √3a³ + −b³, y³ = −5 − √5c + −√5c³ = z³ एंड −3xyz − 3√3a − b − √5c, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 3 को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सेम लिखा है। आपको जो चेक करना है वो आपको करना है ये माइनस से यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, दैट मींस हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये होगी, देन वी विल राइट इन दिस फॉर्म। तो हमारा क्या होगा, −(-) + (+)−(-). नाउ 3√3 × √5 = √15,
A, B and C. This is same as this. तो अब हम क्या करेंगे, only right hand side में x, y and z की वैल्यू पुट करेंगे. तो हमारा क्या आएगा देखते हैं, राइट हैंड साइड. तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हम लिखते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट फाइव सी. ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में. सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स रूट थ्री ए होल स्क्वायर, रूट थ्री ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज माइनस रूट फाइव सी होल स्क्वायर. माइनस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो क्या आ गया आपका माइनस माइनस रूट थ्री ए बी. माइनस यहां पर है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस रूट थ्री ए बी. देन अगेन माइनस है आपका माइनस वाई जेड, वाई एंड जेड, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो रूट फाइव बी सी. ठीक है, फिर माइनस जेड एक्स, जेड एंड एक्स इज माइनस, अगेन माइनस रूट फिफ्टीन, रूट फाइव एंड रूट थ्री रूट फिफ्टीन ए सी. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो हम देखते हैं. हमारा आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सिर्फ ये खोलते जाओ तो आपका क्या आएगा, रूट थ्री ए माइनस बी माइनस रूट फाइव सी, फर्स्ट ब्रैकेट ओवर. सेकेंड ब्रैकेट, रूट थ्री होल स्क्वायर इज थ्री ए स्क्वायर, माइनस स्क्वायर इज प्लस प्लस बी स्क्वायर, माइनस स्क्वायर इज प्लस रूट फाइव स्क्वायर इज फाइव, तो हमारा आ जाएगा फाइव सी स्क्वायर. नेक्स्ट, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस रूट थ्री ए बी, एंड ये वाला माइनस रूट फाइव बी सी, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस रूट फिफ्टीन ए सी. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई ये हमारे फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन. ठीक है, सेम इक्वेशन, दीज आर द फैक्टर्स.